सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे मोगर मेथी की सब्जी। मोगर यानी कि मूंग की दाल धुली हुई, उसको हम भिगो के उसकी सब्जी बनाएंगे, जो कि सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती है और उसके अंदर मेथी डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आइए चलिए हम बनाते हैं मोगर मेथी की सब्जी। मोगर मेथी की सब्जी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑयल। मैं 2 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। इसके अंदर मूंगफली का रिफाइंड ऑयल है और है मोगर यानी कि मूंग की दाल, जिसको हम मोगर कहते हैं। जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था पानी में, इसको धोके रखा है मैंने। और ये 100 ग्राम मैंने मेथी ली है, हरी वाली मेथी, जिसका अभी सीजन चल रहा है और बहुत अच्छी आ रही है अभी। तो इसको अभी हम काट के धो लेंगे। और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। थोड़ा सा जीरा हम बघार में डालेंगे। एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट के रखा है, एक प्याज को मैंने स्लाइस करके रखा है मीडियम साइज का, और एक टमाटर मैंने काट के रखा है बारीक। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और मिर्ची डालेंगे करीब 2 टीस्पून। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके पैन रखा है उसके ऊपर, और इसके अंदर करीब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा चाहिए होता है मोगर मेथी की सब्जी में। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और अब ये जो जीरा है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जीरा हमारा चटकने लग गया है। तो अब ये प्याज मैंने काटे थे वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, तब हम ये अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। बस अब ये अदरक लहसुन की पेस्ट है वो इसमें डाल दूंगी मैं। ज्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। अदरक लहसुन की पेस्ट को थोड़ा सा भून लिया हमने, आज को थोड़ा मीडियम पे कर दिया ताकि इसके छींटे ना उछले और ये अच्छे से भून जाए, जले भी नहीं। अब ये इसके अंदर जो मैंने टमाटर काट के रखे थे, देखिए आप, टमाटर डाल दूंगी मैं। और ये हरी मिर्च, ये भी डाल देंगे। और साथ में हमारे मसाले हैं, ये देखिए आप, ये मैंने पहले नहीं बताया था आपको, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर और डेढ़, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। नमक हम बाद में डालेंगे, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम मसालों को, टमाटर वगैरह सबको। अब इस पे मैं हल्का सा मसालों को भून लिया थोड़ा सा, इसमें हल्का सा पानी डाल दूँ, ताकि पानी डाल देंगे हम ताकि ये जो मसाले हैं वो जले नहीं। बस अब 1 मिनट तक हिलाएंगे थोड़ा सा इसको हम। और ये जो हमने मोगर, ये देखिए, मूंग की दाल को धो लिया मैंने और उसका पानी निकाल दिया, 2 घंटे इसको भिगो दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गए, फूल गई है दाल हमारी। तो अब ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। ये भीगी हुई है हमारी, तो ये जल्दी ही बन जाएगा मोगर हमारा, यानी कि मूंग का मोगर। और ये जो मूंग का मोगर मैंने धुला हुआ लिया है, आप लोग चाहें तो मूंग की दाल होती है जो छिलके वाली, उसको भी भिगो सकते हैं 2 घंटे, और फिर उसके छिलके, उसको थोड़ा सा हम रगड़ देते तो छिलके उतर जाते हैं, और पानी के साथ धो के उस दाल को भी बना सकते हैं हम छिलके उतार के, तो वो दाल और भी टेस्टी बनती है, उसका मोगर और भी अच्छा निकलता है। और ये इजी रहता है हम लोगों के लिए कि धुला हुआ है मूंग की दाल, तो फटाक से इसको धोना नहीं पड़ेगा, भिगो दिया और बना लिया। जैसे भी आप चाहें दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब ये मोगर अच्छे से मिक्स हो गया मसाले में, 1-2 मिनट तक हमने इसको इसमें रहने दिया। अब ये जो मेथी है मैंने काट ली थी, थोड़ी डंडियाँ वगैरह होती है जो, और इसको धो लिया मैंने 2-3 पानी से। हरी सब्जी को अच्छे पानी से धो लेना चाहिए, इसमें मिट्टी वगैरह होती, तो अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मेथी के साथ जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपने वीडियो में बढ़िया मेथी की सब्जी भी बना रखी है। बढ़िया मेथी जब अभी सर्दियों के सीजन में बढ़ियों के साथ मेथी बनाते हैं, वो सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप मेरे वीडियो पर जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं।
मेथी डालने के बाद अब हम नमक डाल देंगे इसके अंदर। पहले हमने नमक नहीं डाला था, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे बस, ये क्योंकि भीगा हुआ है हमारा मोगर तो जल्दी ही बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी, इसको हम सूखा ही बनाते हैं, थोड़ा पकने के लिए बस पानी डाल देंगे और इस पर ढक्कन लगा देंगे हम। तो फ्रेंड्स अब हमारी ये मोगर पक गया है, करीब 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी डाल दिया था इसके अंदर ताकि ये चिपके नहीं, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं हल्का सा, बाकी इसको सूखा ही रखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ बस, ये इस तरह से थोड़ा सूखा ही बनता है। और अब हमारा ये मोगर मेथी की सब्जी अब तैयार हो गई है, तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी। बस अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, हमारी मोगर मेथी की सब्जी तैयार है। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, विशेष करके राजस्थान में मोगर मेथी की सब्जी ज्यादा बनाई जाती है, मलाई मोगर भी बनाई जाता है, कई तरह से मोगर की सब्जी बनाई जाती है। लेकिन सर्दियों में जब फ्रेश मेथी आती है तब ये मेथी डाल के बनाने से और भी सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और इसे सभी पसंद करते हैं। तो आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमागणी।